नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया आज एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है आपके समक्ष लेके आए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जहां डॉक्टर डेजी परिहार अपना बेशकीमती समय पहले अपने स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ पेशेंट्स को देते हैं, वही एनवायरनमेंट को बचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा इलाका जो बनतलाब के क्षेत्र में है, जब कभी कहीं यहाँ पे खड हुआ करती थी, पथरीला इलाका था, हरियाली दूर दूर तक नहीं मिलती थी, लेकिन उनके हार्ड डिसीजन और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के प्रति जो लगाव था उसके चलते आप देख सकते हैं ग्रीनरी किस प्रकार से यहाँ पे आज की डेट में डेवलप हो रखी है, और ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के प्रति जो एक लगाव है उसके चलते हुआ है। क्या कुछ पूरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आइए सुने। मुझे बचपन से ही पेड़ों से बहुत प्यार था। हमेशा लगता था कि मैं मतलब पेड़ों की केयर करूं, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाया जाता था कि पेड़ हमें दवाई देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं, बट मुझे लगता था जो हमें इतना कुछ दे रहा है हम उसको बदले में क्या दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता था जब पेड़ को मैं देखती थी कोई कुल्हाड़ी से काट रहा होता था, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। तो मैंने सोचा मैं उनको तो रोक नहीं सकती, कौन तोड़ रहा है फाड़ रहा है उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने जीवन में एटलीस्ट हर इंसान को 100 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। अब 100 पेड़ लगाने का ये है कि हम एक साथ एक मिनट में या एक घंटे में 100 पेड़ नहीं लगा सकते हैं, ये धीरे 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 प्रोसेस होता है, और जब आप पेड़ लगाएं तो फिर उसकी केयर भी करनी पड़ती है। तो हमने स्टार्ट किया, जब 3 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा करके हमने वहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले पत्थर वाली जगह साफ की, यहाँ घास थोड़ा सा लगाया और घास देखिए फैल के कहाँ पहुँच गया। तो ये स्टार्ट किया, फिर मैंने अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया इस चीज़ में, अपनी डॉटर को भी इन्वॉल्व किया, अभी वो छोटी है, इवन उसने भी पार्टिसिपेट किया जब हम प्लांटेशन कर रहे थे ट्रीज की। तो मुझे ये लगने लगा कि जो पेड़ मैं लगाऊं मेरे को देख के और भी लोग इंस्पायर हों, वो भी लगाएं। और अभी आप कुछ वैरायटीज यहाँ पे आपने जो प्लांट, हाँ जी, अभी सबसे पहले हमने पंचवटी लगाया, पंचवटी में हमने पीपल लगाया, अशोका लगाया, वट का पेड़ लगाया, साथ में आंवला लगाया और बनियान का लगाया। तो वो पांच मतलब वो पेड़ों का ग्रुप लगाया जाता है, क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और बहुत हाई होती है, वो लगाया। पर आपको मैं बताऊं, हमसे देख के तो यहाँ पे हमारे साथ में कामी ऑफिसर हैं जो रिटायर्ड हैं, वो मुझे बोल रहे थे कि अब मैं भी अपने आगे लगाऊंगा, और उन्होंने भी लगाए। शुरू में कहा ये स्टोरी इंस्पिरेशनल होने वाली है कहीं ना कहीं अपने आप में। अच्छा, इस इलाके में पत्थर होते थे, पेड़ पौधा घास उगना तो बड़ी दूर की बात होती थी, कोई दिक्कत चैलेंज फेस हुआ? चैलेंज ये फेस हुआ कि आपको मैं वहाँ दिखाऊं, मैंने काफ़ी आगे तक पेड़ लगाए थे। यहाँ पे जो ये पानी का जो प्रॉब्लम रहता है, जब बारिश होती है तो ये नाला पूरा ऊपर आ जाता है, ऊपर आके इसने आधे से ज़्यादा हिस्सा ही बहा लिया है, और ये थ्रेट है हमारे सबके लिए। बट स्टिल हमने वो जब चला गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। पेड़ लगाने से कैचमेंट एरिया तो बच जाता है, लेकिन मुझे तब बुरा लगा क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की थी उस पर, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, अगर इतना सा भी रह जाएगा तो इतने को भी सजाऊंगी, इसलिए हमने 100 पेड़ लगाए। कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं पेड़ पौधों के लिए एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अक्रॉस द ईयर कोई इस तरीके से राउंड द ईयर राउंड द क्लॉक इस तरीके से काम करे, वो बड़े रेयर एग्जांपल मिलते हैं जो डॉक्टर डेजी परिहार कर रहे हैं। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, दो चीजें हैं, या तो बच्चों के बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरीज पे, किसी भी शुभ काम में, किसी भी किसी की याद में आप पेड़ लगाइए, और पेड़ आपके आने वाली जनरेशन को भी फायदा ही देंगे। तो और दूसरा ये है, स्कूल्स में भी कुछ प्रोग्राम्स हो कि जो स्कूल में सिर्फ सेलिब्रेशन एनवायरमेंट डे की ना हो, बच्चों के साथ मिलके कॉलोनीज को हरा भरा करने का काम किया जाना चाहिए। सिर्फ पोस्टर्स बना के उसको, बच्चों को ये नहीं कि पोस्टर बनाए, दे शुड बी पार्ट ऑफ इट, प्रैक्टिकली उनको काम करना चाहिए। थ्योरेटिकली कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब हो जो थ्योरेटिकली डिस्कस हो उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करें, और बदलाव आप सामने देख रहे हैं, जहाँ कभी पत्थर हुआ करते थे आज की डेट में वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। पथरीला और खड़का इलाका जहाँ आज की डेट में 100 से अधिक पेड़ पौधे हैं, और उनको देखते हुए बाकी वाले भी जो है पेड़ पौधे लगा रहे हैं। ग्रीनरी यहाँ पे हो रखी है, जहाँ कभी पानी नहीं मिलता था वहाँ पे इन दिनों भी घास जो है वो ग्रीन दिख रहा है, जहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ हैं इसके साथ साथ छायादार पेड़ हैं, और वहीं फ्लावर्स भी यहाँ पे लगा रखे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर जिंदगी है तो एनवायरनमेंट के साथ है, और लेकिन उसके लिए हमें वॉलंटियर होके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और उस इनिशिएटिव के चलते बदलाव
लाजमी है। पथरीले इलाके में ग्रीनरी होना बड़ी बात है। आपने भी अगर किसी प्रकार का इनिशिएटिव एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ले रखा है तो अपनी सक्सेस स्टोरी जो है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहें ग्रेट जम्मू, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।